नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली आई स्टार गेट। इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में आज हम शुरू करेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जलवायु एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती। जैसे हवा चलती है, हवा दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जलवायु भी दिखाई नहीं देती। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। भारत की जलवायु किस प्रकार की है सब कुछ पढ़ा जाएगा इसमें। मानसून, मानसून के बारे में तो आपको पता होगा, सब कुछ एक एक चीज़ पढ़ी जाएगी। लेकिन जितनी भी वीडियो है आप बारी बारी से देखिए, स्टार्टिंग से देखिएगा और तभी आपको समझ आएगा। कुछ चीज़ें आपको लगेगी पहले बतानी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको लगेगी बाद में बतानी चाहिए, लेकिन आप एक बार जैसे मैं बताता चलता हूँ ऐसे आप पढ़ते चलिए। अंतिम में जब इसकी 6 से 7 वीडियो बनेगी, अंतिम वीडियो तक जब आपको लगेगा, देखिए आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पूरी जलवायु समझ आ गई है। यदि तब ना समझ आए तब आप बता सकते हो कि समझ नहीं आई। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं भारत की जलवायु से। सबसे पहले हम आते हैं जलवायु पे। जलवायु है क्या? देखिए, जलवायु एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जैसे मौसम, देखिए मौसम एक घंटे में बदल सकता है, एक दिन में बदल सकता है, एक सप्ताह में बदल सकता है। जैसे अभी मौसम आपने देखा होगा कि धूप निकल रही है और 2 घंटे बाद बारिश पड़ने लगी, उसको बोला जाता है मौसम। वो जलवायु नहीं है। जलवायु वो है जो दीर्घकालिक होती है। जलवायु का समय कितना होता है? 30 वर्ष। भूगोल वेत्ताओं ने जलवायु बदलने का समय 30 वर्ष निर्धारित किया है या 30 वर्ष से अधिक। और मौसम एक दिन में बदल सकता है, एक घंटे में बदल सकता है, एक सप्ताह में बदल सकता है। तो यदि हम सामान्य कहे परिभाषा के तौर पे, तो जलवायु एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसका भूगोल वेत्ताओं ने समय निर्धारित 30 वर्ष या उससे अधिक समय निर्धारित किया है। जबकि मौसम एक अल्पकालिक प्रक्रिया है जो एक सप्ताह, एक दिन, एक महीने में बदल सकता है मौसम। अब हम आते हैं भारत की जलवायु पे। भारत की जलवायु कौन सी जलवायु है? भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब मानसूनी जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्या है, एक एक वर्ड समझ आएगा आपके। ठीक है, वापस से जलवायु पे आते हैं। किसी स्थान में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव, पवनों की दिशा तथा वेग का समग्र अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। और इन समस्त दिशाओं को, जो समस्त दशा है, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव, पवनों की दिशा, इन समस्त का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है और इन समस्त दशाओं को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम क्या है? मौसम एक क्षणिक या अल्पकालिक अवस्था है जो एक दिन, एक सप्ताह में परिवर्तित हो जाती है, जबकि जलवायु 30 वर्ष या उससे अधिक वर्षों में परिवर्तित होती है। इतना आपको जलवायु और मौसम के बारे में समझना था। हालांकि जलवायु मौसम के बारे में डिटेल से मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज थी हमारी उसमें मैंने डिस्कस किया था, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में जो आवाज़ है, काफ़ी स्टूडेंट ने बोला है कि आवाज़ उसमें ठीक नहीं है। आवाज़ उसमें ठीक नहीं होने का कारण ये है कि उसकी आवाज़ जो रिकॉर्ड की गई है वो माइक्रोफोन से की गई है। लेकिन अब जैसे इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक से, तो आप चिंता मत करिए। मैं जितनी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो बची है और पुराने वाली भी, उन सबको अपडेटेड करके वर्ल्ड ज्योग्राफी अपडेटेड के नाम से नई सीरीज बनाऊंगा और उसमें माइक से रिकॉर्ड करूंगा और अच्छे से जो भी आपका चीज़ें बची है सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी पूरी होने के बाद। अब वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ेंगे तो ये कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश कैसे है। मानसून भी पढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलते रहिए। थोड़ी पेशेंस के साथ आप वीडियो देखते रहिए, जितनी भी आएगी 6-7 वीडियो भारत की जलवायु पे, धीरे धीरे आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि जलवायु, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, मुझे सब कुछ आता है। ठीक है दोस्तों, जलवायु शुरू करने से पहले, भारत की जलवायु एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उसको शुरू करने से पहले आप जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में एक शब्द याद रख लीजिए, वो है लैंड फॉर्म्स। यदि इसकी फुल फॉर्म में नीचे लिखी हुई है, देखिए एल से लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश आपको पता होगा, जो इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है उसको सारा पता होगा जो जो इसमें शब्द है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऊंचाई है। तीसरा है एन, एन से आता है समुद्र से निकटता। डी पवन की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ विंड। एफ से फॉरेस्ट, हिंदी में वन। ओ से ओशियन करंट्स यानी समुद्री जलधाराएं। आर से रेनफॉल यानी वर्षा। एम से माउंटेन यानी पर्वत या पहाड़। पहाड़ वो होता है जो 1000 मीटर से नीचे होता है, 1000 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को पर्वत बोला जाता है। एस से सोयल यानी मिट्टी।
यानी जलवायु को कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं, तो एक शब्द है इसको आपको ध्यान रखना है, तो सारे शब्द आपके याद रहेंगे, ये महत्वपूर्ण है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको दिया है। अब वापस आते हैं हम, अब पढ़ेंगे ये चित्र आपको बनाना है। चित्र बनाने से पहले मैं इस चित्र के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्त, जो आपको ये रेड कलर में दिख रहा है ये है हिमालय। हिमालय आपको पता है, जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है उसको पता होगा, हिमालय 3 श्रेणियों में फैला हुआ है, महान हिमालय, लघु हिमालय और अंतिम शिवालिक। तो ये जो 3 श्रेणी है ये हिमालय ही है। हम यहाँ को इनको 3 श्रेणी के बारे में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 3 श्रेणी हम पढ़ चुके, हम इसको पूरा का काउंट करेंगे हिमालय। जो इधर वाला है रेड कलर वाला है जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है ये है पश्चिमी घाट पर्वत, और जो इधर वाला है जहाँ पे कटा छटा है ये है पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, कटा छटा क्यों, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें एक भी आपको ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो नहीं पता होनी चाहिए। अब आइए आप इस नीचे वाली जो नीले कलर की जो ऐसे मैंने खींचा हुआ है इनको आपको लिखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। मैं समझा देता हूँ दिशा भी, वैसे हर वीडियो में मैं दिशा बता ही देता हूँ, इसमें बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हम जलवायु स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दिशा आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए तभी फायदा है। देखिए मैं दिशा अंतिम बार बता रहा हूँ, देखिए ये ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ यानी दक्षिण, इस साइड क्या होता है, इस साइड होता है ईस्ट यानी पूरब, और इस साइड क्या होता है वेस्ट। अब मैंने बोला जो ये हवाएं हैं ये क्या है, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट है, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट पे एक साथ नहीं जा सकते, जब एक साथ किसी चीज़ पे नहीं जा सकते दो चीज़ों पे, तो उनके बीच में चले जाइए बस, तो हम बीच में आ गए, तो इसीलिए जो ये हवाएं है ऐसे आ रही है। तो इनको क्या बोला जाता है जब ऐसे हवाएं आ रही है, तो इनको क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, इनको बोलेंगे साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। अभी केवल इतना ही जानिए, दक्षिण पश्चिम, अभी वापस से इस पे आइए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं ये गर्मियों में चलती है ग्रीष्म ऋतु में, अभी इतना ही लिखिए। अब इन वाली पे, ये इन वाली हवाओं पे, ये कौन सी है, ये है उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, लिखा हुआ आगे सब कुछ लिखा है, सुनते रहिए, और जो लिखना चाहता है वो तो सबसे बेस्ट है, अगर साथ के साथ बोलते बोलते आप लिख रहे हैं जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है तो सबसे बेस्ट है। ये क्या है, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। उत्तर पूर्वी क्यों है, क्योंकि देखिए उत्तर पूर्व से आ रही है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है, ये है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, एक शीतोष्ण चक्रवात है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा, अभी केवल आपको समझाया गया ये दिशा। अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय आप समझ लीजिए, बाद में आगे बढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ से जाती है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 23.5 डिग्री की मकर रेखा जाती है, जो आई थिंक जो वीडियो अच्छे से देख रहा है सभी को पता होगी। उसके ऊपर आता है 30 डिग्री, और यहाँ भी आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ यानी ऊपर, और 30 डिग्री साउथ यानी दक्षिण के बीच के क्षेत्र को, यानी इस पूरे बीच के क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंध। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, नीचे भी 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ, इन दोनों को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध, इसको भी ध्यान रखना है। इसके ऊपर वाले क्षेत्र यानी 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, और यहाँ भी नीचे साउथ में 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, इन दोनों क्षेत्र को बोला जाता है शीत कटिबंध। अब आप देखोगे जो भारत का फैलाव है वो यहाँ तक है, ठीक है आपको पता है, यानी 30 डिग्री से ऊपर तक फैला हुआ है भारत का, तो 30 डिग्री से ऊपर तक फैला हुआ है तो फिर शीतोष्ण कटिबंध में आ जाएगा इतना पार्ट, जो इतना पार्ट है ये तो आएगा उष्ण कटिबंध में, और ऊपर वाला पार्ट किस में आना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा है, ये है शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जून, तो ये किस में आना चाहिए, टेम्परेट जून में आना चाहिए, लेकिन टेम्परेट जून में क्यों नहीं आता, क्वेश्चन यही है कि भारत को हम कंप्लीटली, भारत को पूरे के पूरे भारत को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश भारत को बोला जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय क्यों, जब ऊपर वाला क्षेत्र तो शीतोष्ण में आ रहा है तो शीतोष्ण बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते, इसी क्वेश्चन पे आपको अड़े रहना है और इसी क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढेंगे। यदि क्वेश्चन आता है भारत को एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश क्यों बोला जाता है, तो जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो सब आपको लिख डालना है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपके समझ आ गए ना कि 30 डिग्री भारत तो 30 डिग्री से ऊपर भी फैला हुआ है, तो 30 डिग्री से ऊपर
चीजें आ जाती है शीतोष्ण कटिबंध में, लेकिन भारत को उष्ण कटिबंध में ही हम काउंट करते हैं, ऐसा क्यों है? तो देखिए वापस से आ जाइए इसी फिगर पे। देखिए दोस्तों मैं इसको बड़ा ही धीरे धीरे समझाऊंगा, जो पहली बार भी वीडियो देखेगा उसके भी समझ आ जाएगा, और जिसको पता होगा, जिसको ऐसा होता है ना कि कोई तैयारी 2 साल से कर रहा है, कोई 3 से कर रहा है, कोई अभी अभी नया आया है, तो हमें सबको साथ लेके चलना है, नए वाले को भी देखना है, इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोई इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में समझ नहीं आएगा कुछ। हाँ जिसको वीडियो धीरे लगे, लगे कि नहीं मुझे पता है काफ़ी चीज़ें, फिर धीरे धीरे हो रही है, मेरा टाइम जा रहा है, तो यूट्यूब में सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप वीडियो की स्पीड डबल कर सकते हो, डबल स्पीड कर सकते हो, 1.5 गुना कर सकते हो, सब कुछ ऑप्शन दिए हैं। लेकिन हम यहाँ पे उन स्टूडेंट को भी लेके चलेंगे जो पहली बार देख रहा है वीडियो, जो अभी अभी तैयारी में लगा है। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन वही है, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाला जलवायु वाला देश क्यों है, जबकि 30 डिग्री तो यहाँ से चली जाती है और 23 डिग्री यहाँ से, 23.5 डिग्री यहाँ से चली जाती है, तो इसके ऊपर वाला क्षेत्र क्या होना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंध में क्यों नहीं है, कारण लिखना है आपको। देखिए अब समझने की आप कोशिश करिएगा, यहाँ पे कारण लिखिए। देखिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत है फैला हुआ है, आपको पता है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, नेपाल में, कितनी ऊंची है वो 8,850 मीटर, यानी काफ़ी ऊंचा है, 8 किलोमीटर से भी ऊंचा है हिमालय। तो भारत के उत्तर में हिमालय स्थित होने के कारण साइबेरिया से आने वाली, अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, चाइना है, और रूस आपको पता है इतना बड़ा फैला हुआ है, काफी बड़ा है रूस, तो रूस का वह भाग जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है उसको बोला जाता है साइबेरिया। साइबेरिया एक ठंडा स्थान है, तो साइबेरिया से जो हवाएं चलती है वह ठंडी हवाएं चलती है, तो साइबेरिया से ठंडी हवाएं इस साइड चलेगी, साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलेगी तो यहाँ तक पहुँचेगी, चाइना तक, चाइना में कोई बड़ा पर्वत नहीं है, लेकिन हिमालय जब यहाँ पर पहुँचेंगी साइबेरिया से ठंड आने वाली ठंडी हवाएं, तो हिमालय एक दीवार की भांति काम करता है, यानी हिमालय सारी की सारी जो ठंडी हवाएं आ रही है सारी की सारी को रोक लेता है, कुछ 90% से ऊपर रोक लेता है, कुछ को कुछ आ जाती है, लेकिन अधिकांश को साइबेरिया से आने वाली अधिकांश ध्रुवीय ठंडी पवनों को हिमालय रोक लेता है। इसलिए देखिए वापस से मैं बोल रहा हूँ, भारत के उत्तर में हिमालय स्थित होने के कारण साइबेरिया से आने वाली ध्रुवीय ठंडी हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिस कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती। अब देखिए वापस से समझिए, भारत के उत्तर में हिमालय स्थित होने के कारण साइबेरिया से आने वाली ध्रुवीय ठंडी हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिस कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती। आप देखोगे जो चाइना में या साइबेरिया में जितनी ठंडी होती है, इतनी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में ठंडी नहीं होती, दक्षिणी क्षेत्रों में तो होती ही नहीं है, उत्तरी क्षेत्रों में जो ठंडी होती है वो साइबेरिया की तुलना में बहुत ही कम है। आप देखोगे साइबेरिया में माइनस में टेम्परेचर रहता है, और जबकि भारत के कुछ ही क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कभी कभी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में कभी कभी माइनस रहता है, जबकि साइबेरिया में अधिकांशतः माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे वापस से, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश क्यों है, तो हम कारण लिख रहे थे, भारत के उत्तर में हिमालय स्थित होने के कारण, यहाँ पे हिमालय है, तो जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, जिस कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती। हिमालय स्पष्ट रूप से जलवायु विभाजक का कार्य करता है। देखिए जलवायु विभाजक का कार्य कौन करता है वैसे, देखिए ये जो 30 डिग्री है इसके उत्तर में क्या होना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंध, और इस ये पूरा का पूरा उष्ण कटिबंध, लेकिन हिमालय जो यहाँ तक फैला हुआ है ये, तो भारत के संदर्भ में, यहाँ पर जो हिमालय फैला हुआ है भारत के संदर्भ में हिमालय जलवायु विभाजक का कार्य करता है, यानी हिमालय के उत्तर में कौन सी जलवायु होगी, शीतोष्ण कटिबंध, और हिमालय के नीचे ये होगी उष्ण कटिबंध, यानी यहाँ पर जो 30 डिग्री नॉर्थ रेखा है वो जलवायु विभाजक का कार्य नहीं कर पाती। कहीं कहीं बुकों में कर्क रेखा भी लिखा हुआ है कि कर्क रेखा जलवायु विभाजक का कार्य नहीं कर पाती, तो समझने की बात यह है यहाँ पर हिमालय जलवायु विभाजक का कार्य करता है, यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो जलवायु विभाजक का कार्य नहीं कर पाती। कारण क्या है, कारण आपको पता चल गया, क्योंकि हिमालय यहाँ पे साइबेरिया से आने वाले ठंडी हवाओं को रोक लेता है, इसलिए भारत के उत्तरी भागों में जो वास्तविक शीत ऋतु पाई जानी चाहिए वो नहीं पाई जाती। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखेंगे आप इसमें, जिसके हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण, यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु, और इसके नीचे उष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती। दूसरा कारण,
कर्क रेखा, मकर रेखा, यहाँ से कर्क रेखा जाती है आपको पता है, और नीचे की 30.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा, उनके बीच उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, ये तो सबको पता है। समुद्र का जल अत्यधिक गर्म रहता है। अत्यधिक गर्म क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे लगभग साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी तो जल गर्म होगा, जल गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के क्या होगा देखिए, ऊपर उठ के एक होता है यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून हवाएं, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी ये वाली, तो ये हवाएं चलने लगती है भारत की ओर। जब भारत की ओर चलने लगती है तो यहाँ पे फिर ये टकराती है यहाँ से हिमालय से, तो हिमालय से टकरा कर फिर उत्तर भारत में वर्षा कर देती है। आप समझ रहे हैं ना? देखिए ये जो यहाँ पे 30.5 डिग्री है, इसके नीचे वाला क्षेत्र तो उष्णकटिबंध में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन उठता है कि ऊपर वाला क्षेत्र उष्णकटिबंध में क्यों आ रहा है, तो उसी का हम आंसर ढूंढ रहे हैं। उसी का आंसर ढूंढने में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा कि उष्णकटिबंध में इसलिए आता है, जो शीत ऋतु, वास्तविक शीत ऋतु साइबेरिया में या चाइना में पाई जाती है, वो शीत ऋतु भारत के उत्तरी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। पहला कारण क्या था? क्योंकि जो हवाएं आ रही है साइबेरिया से, ठंडी हवाएं, उनको हिमालय रोक लेता है, इसलिए वहां पे शीत ऋतु नहीं होती। इसलिए वहां पे कौन सी ऋतु होती है? उष्णकटिबंध। दूसरा कारण क्या था? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच हमेशा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है लगभग, और इसीलिए यहाँ से मानसूनी हवाएं उठती है दक्षिण पश्चिम मानसून की, और वह हिमालय से टकराती है और यहाँ पे वर्षा कर देती है। यानी ये दोनों के दोनों जो कारण है, वे कारण है कि उष्णकटिबंध जलवायु है भारत की। ठीक है, आगे देखिए, जो मैं बोला हुआ यदि लिख लिया वो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल आपको सही से लिखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आपको आना है इस वाले स्लाइड पे, ये देखिए वापस से मैं क्वेश्चन अपना रिपीट कर रहा हूँ। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश क्यों है, कैसे है? अभी तो हमने उष्ण कटिबंध पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मानसूनी वाला देश क्यों है। दो शब्द आए थे ना, भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, तो उष्ण कटिबंध ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उष्ण कटिबंध कैसे है। दो कारणों से हमने कम से कम 3 बार डिस्कस किया। दूसरा, उसमें एक शब्द आ रहा है मानसूनी वाला। देखिए मानसूनी वाला देश कैसे है, तो सबसे पहले मानसूनी समझिए, मानसून क्या है? देखिए मानसून जो शब्द आता है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मौसम, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। यदि मानसून का अर्थ एक डेफिनेशन में बताना हो, हमें एक लाइन में बताना हो, उसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन होगा, हवा की दिशा में परिवर्तन होगा। कैसे? दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि ग्रीष्म ऋतु में या गर्मियों में चलती है, उनकी दिशा इस प्रकार होती है। शीत ऋतु में इन्हीं हवाओं की, मानसूनी हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से आने वाली मानसूनी हवाएं हो जाता है। यानी भारत में दो तरह की मानसून हवाएं पाई जाती है। सब कुछ एक एक बात आपको लिखना है, नहीं तो फिर आगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। उष्ण कटिबंध जलवायु कैसे है भारत की, वो हमने समझ लिया। वापस से मैं बता रहा हूँ आपको, भारत एक मानसूनी वाला देश कैसे है, अब इस पर डिस्कस हो रहा है। तो मानसून मैंने समझा दिया, मानसून का शाब्दिक अर्थ मौसम, और मानसून का अर्थ क्या है? ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन। परिवर्तन हो रहा है तो एक से अधिक की दिशा होगी, तो भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं पाई जाती है। लिखना है आपको ये, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। देखिए यहाँ पे तो ये एक साथ बनाए हुए हैं, एक साथ इसलिए बनाए हुए दोस्तों आपको समझाने के लिए, वास्तव में ये एक साथ नहीं चलती। जब दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं चलती है, ये चलती है ग्रीष्म ऋतु में, सिंपल शब्दों में कहें गर्मियों में, और इन्हीं इन्हीं को बोला जाता है मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून पर ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, क्योंकि कभी कभी ये ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है तो सूखा पड़ जाता है। इसीलिए इसके बारे में ही अधिकांश पढ़ा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के बारे में ही, क्योंकि इससे ही लगभग 90% वर्षा, और भारत के लगभग 90% भाग पर इसी से वर्षा होती है। लेकिन हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं भी पढ़ेंगे, और भारत में वर्षा किन किन आधारों पर होती है, किस किस वजह से होती है, वो भी पढ़ेंगे। वापस से क्वेश्चन ये है, भारत एक मानसूनी वाला देश किस प्रकार है? तो मानसून समझा दे, भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं है, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब आपको लिखना है उत्तर पूर्व मानसून हवाएं। तो इसमें तो कोई डाउट ना होना चाहिए कि ये शीत ऋतु में चलती है, ये शीत ऋतु में चलती है। और किस साइड से आती है? उत्तर पूर्व से आती है। जो हवाएं उत्तर पूर्व से आती है शीत ऋतु में, उसे उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं कहते हैं। इतना लिख लिया आपने, आगे समझिए। उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं स्थलखंड से होकर आती है। आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइना, ऊपर क्या है साइबेरिया, रशिया का पार्ट साइबेरिया। तो जो ये जितनी हवाएं आ रही है, यानी अभी हम उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं के बारे में पूरा डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसको बाद में बताया जाएगा, अभी केवल इस पर फोकस करिए।
मैं कह रहा हूँ जो हवाएं उत्तर पूर्व से आती है, उत्तर पूर्व दिशा मैंने समझा दी, उत्तर पूर्व से आती है उसे शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थलखंड से होकर आती है, आप देख रहे हो स्थलखंड से होकर आ रही है। जब स्थलखंड से होकर आएगी तो इनमें नमी की मात्रा बहुत कम होगी। नमी क्या मतलब, इनमें जल की मात्रा बहुत कम होगी क्योंकि स्थलखंड पे तो जल है नहीं। जल जो समुद्रों में जल अधिक है, तो यदि समुद्रों से ऊपर से हवाएं आएगी तो उनमें आर्द्रता यानी उनमें जल की मात्रा अधिक होगी, इसीलिए उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं में आर्द्रता की मात्रा कम होती है, ठीक है दोस्तों, जिसके कारण ये उत्तर भारत में वर्षा नहीं करा पाती, जिसके कारण ये भारत में वर्षा करा नहीं करा पाती, यानी भारत में वर्षा कराने में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं असक्षम होती है। क्यों असक्षम होती है, क्योंकि ये स्थलखंड से होकर आती है, इनमें आर्द्रता नहीं होती। आगे लिखिए अपवाद है, अपवाद क्या है देखिए दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझना। अपवाद ये है जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से, ये भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र बोला जाता है जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, उत्तर पूर्व क्षेत्र से होकर आती है, इससे होकर आती है, फिर बंगाल की खाड़ी से जल ग्रहण कर लेती है। बंगाल की खाड़ी से जब जल ग्रहण कर लेगी फिर आगे बढ़ेगी, टकराएगी पूर्वी घाट पर्वत से। पूर्वी घाट पर्वत से टकराने के बाद ये वर्षा करेगी तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट क्या है, यहाँ पर है कन्याकुमारी, और यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर कृष्णा नदी। पिछली वीडियो में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, वापस से मैं आपको सारे तटों के बारे में वापस से एक बार दिखा दूंगा। तो इस तट पर वर्षा करती है केवल और केवल, यदि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से केवल भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, आंसर ये हो गया। भारत के किस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून हवा से वर्षा होती है, वापस से कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से अधिकांश भारत में वर्षा क्यों नहीं हो पाती, आंसर क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं अधिकांश होकर आती है स्थलखंड से, इसीलिए उनमें आर्द्रता नहीं होती, नमी नहीं होती, ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून की कुछ शाखाएं जो गुजरती है बंगाल की खाड़ी से, तो बंगाल की खाड़ी में है जल, वहाँ से जल को ग्रहण करती है, जल को ग्रहण करने के बाद यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है, पूर्वी घाट पर्वत से टकराने के बाद तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। अभी इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं इस पे, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु में, हिंद महासागर से होकर आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हिंद महासागर से होकर आती है। आगे आपको इसमें लिखना है भारत में लगभग 90% वर्षा इसी मानसून से होती है, इसीलिए इसी मानसून पे पूरी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि निर्धारित होती है इस दक्षिण पश्चिम मानसून से ही, ठीक है दोस्तों। अतः यदि अब हम कहें भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, ठीक है, क्योंकि मानसून से ही वर्षा हो रही है, मानसूनी हवाओं से ही, इसलिए हम कह सकते हैं भारत एक मानसूनी वाला देश है। और दोनों को मिला के, दोनों को किसको मिला के, ये वाली स्लाइड को मिला के जो मैंने आपको बताया था कि उष्ण कटिबंध कैसे है, और दूसरी स्लाइड इसको मिला के हम कह सकते हैं कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वाला देश है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, इन दो स्लाइड को आपको लिख के और ये फिगर बना देना है आपको, ये वाला ये फिगर बना देना है, ये इसको लिख देना है और इसको लिख देना है, क्या क्या है ये, कब चलती है शीत ऋतु में, बस इतना आपको कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए इस वाले स्लाइड पर, ये देखिए ये भी आप समझ लीजिए। वैसे तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनका मानसून ही क्लियर नहीं होता, इसलिए मानसून की वीडियो देखते हैं। तो मानसून की वीडियो देखने से पहले कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसे जो मैंने बता दिया अब तक वो तो पता होना चाहिए आपको, दूसरा ये तट भी पता होना चाहिए। जैसे गुजरात का मैदान यदि पूछा जाए कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह है कच्छ जिला गुजरात का, तो कच्छ जिले के उत्तरी भाग से लेके यहाँ पर है दादरा एवं नगर हवेली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ तक फैला हुआ है गुजरात का मैदान। फिर कोकण तट, देखिए तट कोकण तट यानी तट केवल इतना भाग, और ये भी इतना ही भाग इतना। तो कोकण तट कहाँ तक फैला हुआ है, दादर एवं नगर हवेली से लेकर गोवा तक, ठीक है दोस्तों। और फिर आता है केंद्रा तट, ये तट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आगे बोलूँगा मालाबार तट पे वर्षा हुई, तो आपको पता होना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। केंद्रा तट की बात करें तो गोवा से लेके एक कर्नाटक का शहर है ये है मैंगलोरु, और फिर मालाबार तट मैंगलोर से लेके यहाँ पर है कन्याकुमारी। अब आते हैं हम पूर्वी तट पर, पूर्वी तट भी चार भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले आता है कोरोमंडल तट,
कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी से लेके यहाँ पर नदी बहती है कौन सी? कृष्णा। देखिए कावेरी भी यहाँ बहती है, लेकिन कावेरी का भूमिका तटों को निर्धारण करने में कोई भूमिका नहीं है कावेरी की, ठीक है? इसीलिए कन्याकुमारी से लेके कृष्णा तक के क्षेत्र को बोला जाता है कोरोमंडल तट, फिर कृष्णा से लेके गोदावरी तक के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है गोलकोंडा तट, और फिर गोदावरी से लेके यहाँ उड़ीसा में महानदी तक के क्षेत्र को बोला जाता है उत्तरी सरकार तट, और महानदी से लेके जो हमारा पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश से, वहाँ तक के क्षेत्र को बोला जाता है उत्कल तट। ये तट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ा है भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश कैसे है, और भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है। दोनों क्वेश्चन को मैं मिला दूँ तो भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको लिखना है कि भारत में वर्षा टॉपिक आपको डालना है, और ये लिखना है कि भारत में जो वर्षा होती है वो दो ऋतु में होती है। कौन कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले आप लिखिए, ग्रीष्म ऋतु में केवल दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यहाँ देखिए आप, ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। फिर आगे लिखिए, जबकि शीत ऋतु में दो हवाओं से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से, जो हमने ऊपर देखा, वापस से यहाँ भी देखेंगे, रिवाइज होगा आपके याद होगा। दूसरा, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात है, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब इतना लिखना था, अब वापस से आते हैं कि भारत में वर्षा दो तरह से होती है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा पे आते हैं हम, तो आपको लिखना है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 1 जून से प्रारंभ होती है। मैं लगभग यहाँ बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए लगभग बोलने का क्या कारण है, जो थोड़ा सा भी करंट से अपडेट होगा उसको पता होगा। मैं बात अभी तो सेप्टेम्बर 2018 चल चुका है, लेकिन इस बार जो मानसून आया था वो 29 मई 2018 को ही आ गया था। आपको पता होगा, आपने समाचार में अवश्य देखा होगा। तो 29 मई 2018 को मानसून आ गया था, इसलिए हम इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। देखिए आता तो 1 जून से ही है, 1 जून से ही प्रारंभ होता है, लेकिन इस बार जो मानसून आ गया वो 2 दिन पहले आ गया, यानी 29 मई से आ गया, इसलिए आपको लगभग लगाना बहुत जरूरी है। वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत में वर्षा, ठीक है, भारत में वर्षा दो ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में। हम अभी पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कब से प्रारंभ होती है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 1 जून से प्रारंभ होकर 15 सितंबर तक होती है, 15 सितंबर तक होती है। यह वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है, जो आपने लिख लिया होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं हिंद महासागर से ऊपर से प्रवाहित होती है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी, पूरा पूरा हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। ये तो बहुत ही बेसिक है, पता होगा आपको। हिंद महासागर के ऊपर से प्रवाहित होने वाली अत्यधिक आर्द्र हवाएं है। आर्द्र हवाएं क्यों है? क्योंकि ये कहाँ से प्रवाहित हो रही है? हिंद महासागर के ऊपर से। हिंद महासागर में क्या है? जल है, इसीलिए जल को बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेती है, जल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, इसीलिए इनमें आर्द्रता बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक आर्द्र हो जाती है। जबकि जब हमने अभी थोड़ी देर पहले उत्तर पूर्वी मानसून हवा डिस्कस किया था, इनमें आर्द्रता नहीं थी, बहुत कम आर्द्रता थी। क्यों थी? क्योंकि ये स्थलखंड से होकर आ रही थी, एक एक शब्द पर ध्यान देना है, स्थलखंड से होकर आ रही थी। और जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं कहाँ से होकर आ रही है? हिंद महासागर से। ये कहाँ से होकर आ रही है? हिंद महासागर से। इसीलिए इनमें ये बहुत ज्यादा आर्द्र हवाएं हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में जल होता है। इसीलिए आगे लिखिए, अब दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट, जो ये आपको दिख रहा है ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से टकरा कर यहाँ पर सबसे पहले टकराता है केरल के पश्चिमी घाट में, और केरल मालाबार तट पर वर्षा करता है। मालाबार तट मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। यदि पूछा जाए दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से किस ऋतु में वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं किस महासागर से जल ग्रहण करता है? हिंद महासागर से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? केरल के मालाबार तट पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। इसके बाद 15 या 20 जुलाई तक पूरे
भारत में फैल जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग पूरे भारत में वर्षा होती है। लेकिन ये भी लिखना है आपको, मैंने आपको अभी बताया था कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं करता ये, और गोलकुंडा तट पे वर्षा नहीं करता, और उड़ीसा तट जिसको उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं उस पर वर्षा नहीं करता। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, इसके बारे में इतना ही अभी जानना था, और बाद में जानेंगे इसके डिटेल के बारे में। जैसे मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार ऐसे प्रयास करिए आप, सब कुछ समझ आएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब आगे बढ़िए, और आगे अब हम पढ़ते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से मार्च तक चलती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से मार्च तक चलती है। भारत में शीतकालीन वर्षा या शीत ऋतु में होने वाली वर्षा दो तरह की हवाओं से होती है। दिख रहा होगा आपको, उत्तर पूर्व मानसून हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ। ये पूरा हमने पढ़ लिया ऊपर, यानी जो इसमें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि अभी डिटेल में तो आगे पढ़ा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा दो तरह की हवाओं से होती है, पहली पश्चिमी विक्षोभ से, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से। ठीक है, स्टार्ट कब से होती है, लगभग 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है और मार्च तक चलती है। अब आपको लिखना है पश्चिमी विक्षोभ, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में पहला पॉइंट बना के लिखना है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। तो अब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जानेंगे हम। लिखना है आपको, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में, इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में अवस्थित भूमध्य सागर में होता है। भूमध्य सागर में उत्पन्न होने के बाद यह शीतोष्ण चक्रवात पूर्व की ओर चल देता है। देखिए इधर क्या है, पश्चिम, इधर क्या है, पूरब। भूमध्य सागर कहाँ है, आइए मैप में चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी ऊपर, आपको मेडिटेरियन सी के ऊपर क्या दिख रहा है, यूरोप, यानी यूरोप में है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को इंग्लिश में बोला जाता है मेडिटेरियन सी। जिस पश्चिम विक्षोभ की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एक शीतोष्ण चक्रवात है। उसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है, मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी से वो पूर्व की ओर चलने लगता है। पूर्व की ओर क्यों चलता है, सबके आंसर आपको मिलेंगे, धैर्य रखिए थोड़ा सा। मेडिटेरियन सी से चलने लगता है, अब देखिए ऐसे चलता है, और इसके रास्ते में पड़ता है क्या, काला सागर, जिसको ब्लैक सी बोला जाता है। काला सागर से क्या करेगा, ये जल ग्रहण करेगा। कौन, पश्चिमी विक्षोभ, जो एक शीतोष्ण चक्रवात है। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ काला सागर से जल ग्रहण किया, फिर आगे बढ़ा, फिर कैस्पियन सागर से जल ग्रहण किया, फिर आगे बढ़ा। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ तक पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा तो आप एक थोड़ा सा मन सोच के देखिए, तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान में वर्षा क्यों नहीं करा रहा है पश्चिमी विक्षोभ। देखिए उसका मेन कारण ये है, उसको टकराने के लिए, यानी उसको टकराने के लिए कोई ऐसी दीवार नहीं मिल रही जिससे टकरा के वो वर्षा कराए। जैसे ही वो भारत में प्रवेश करेगा, भारत में हिमालय, तो हिमालय से टकराएगा, उसकी दो शाखा हो जाएगी, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। और ये पूरब की ओर क्यों बह रहा है, मतलब पूरब की ओर क्यों प्रवाहित हो रहा है, अभी थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए। पूरब की ओर प्रवाहित होने के इसके दो कारण है। देखिए, एक चलती है भारत की सतह से ऊपर, जिस प्रकार एरोप्लेन ऊपर उड़ते हैं, हवाई जहाज ऊपर उड़ते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 12 किलोमीटर के ऊपर चलती है जेट धारा है। जेट धारा किस साइड चलती है, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब क्यों चलती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब ही घूमती है। ठीक है, इसीलिए वह जो जेट धाराएं हैं इस पश्चिमी विक्षोभ को, यानी इस शीतोष्ण चक्रवात को जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, उसको प्रवाहित कर देती है पूरब की ओर। हो अभी इतना ही जानिए, डिटेल में आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी इतना जाने, नहीं तो सारा कन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं भारत में, भारत में उसकी दो शाखाएं में बढ़ जाती है, एक ऊपर एक नीचे, बटी की हुए हिमालय पर्वत। देखिए कैसे बटी है, ऐसे बटी है ऊपर वाला, और यहाँ टकराएगा हिमालय पर्वत से, और एक शाखा नीचे आ जाएगी। इस नीचे वाली शाखा से ही भारत के उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है। कौन कौन से राज्यों में वर्षा होती है, लिखिए। पश्चिम विक्षोभ आपको समझ आया ना, कहाँ मतलब कहाँ पे निर्माण हुआ, फिर क्यों आया। बस अभी आपको इतना ही लिखना है कि पूरब की ओर प्रवाहित किस लिए होता है वो, क्योंकि पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में, पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में एक जेट धाराएं चलती है। जेट धाराएं चलती है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर जेट धाराएं क्यों चलती है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसीलिए मैं जेट धाराएं इस पश्चिमी विक्षोभ को
पूरब की ओर प्रवाहित करती है, पूरब की ओर ये प्रवाहित होती है और आती है भारत में। भारत में हिमालय पर्वत मिलता है, हिमालय पर्वत उसको दो शाखाओं में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाली शाखाएं ऊपर आगे चली जाती है चाइना में, और नीचे वाली शाखाएं भारत के उत्तरी राज्यों में वर्षा करती है। उत्तरी राज्यों में किस किस में वर्षा करती है लिखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। लेकिन नोट करके भी लिखना है, जो ये वर्षा होती है ये पानी के रूप में नहीं होती, ये होती बर्फ़ के रूप में, हिमपात के रूप में। यही कारण है कि हिमालय पर्वत पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। वो बर्फ जमाने का मेन कारण कौन है? पश्चिम विक्षोभ से जो जल आता है वो हिमपात के रूप में जमा हो जाता है हिमालय की चोटियों पे। ठीक है दोस्तों, फिर गर्मी आती है, वो बर्फ़ पिघलता है और गंगा और आदि नदियों को पानी मिलता है। ये तो एक बेसिक बात थी, इतना हो गया। तो यदि मैं कह रहा हूँ कि पश्चिम विक्षोभ से भारत के उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है, किस किस में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वर्षा जो होती है हिमपात के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भी है, उनमें जो वर्षा होती है उनमें जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। पश्चिम विक्षोभ के बारे में अभी इतना ही पढ़ना था। रही नोट्स की बात, वो मैं अंतिम में आपको बता दूंगा। आगे बढ़िए, आगे अब हम आते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। वापस से हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे शुरू में हमने डिस्कस किया भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश कैसे है, वो हमने डिस्कस किया दो स्लाइड में डिस्कस किया, और एक मानचित्र दिखाया मैंने, उसको आपको लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। फिर हमने शुरू किया भारत में वर्षा। भारत में वर्षा दो तरह से होती है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा, इससे। फिर हमने पढ़ी थी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के में हमने पश्चिम विक्षोभ से वर्षा बारे में पढ़ लिया है। अब शीत ऋतु में ही जो वर्षा का दूसरा कारण है वो है उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं। ठीक है, भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है शीत ऋतु में। ठीक है, ये हवाएं कहाँ से आती है आपको पता है, साइबेरिया से आती है। लेकिन ये हवाएं अधिकांश भारत में वर्षा नहीं करा पाती, कारण मैंने पहले बता दिया था। लेकिन इसके अंतर्गत यानी जो हवाएं आ रही है उत्तर पूर्वी मानसून के, और जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होकर गुजरती है, फिर आगे बढ़ते बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से में जल ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। बस दोस्तों, अभी इसको वीडियो को इतने रखते हैं, वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को आप एक से दो बार देखिए, आप यकीन मानिए ऐसा हो जाएगा आपके मानसून कभी नहीं भूलेंगे आप। बस जिस प्रकार मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ इस प्रकार आप करते रहिए। मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश क्यों है, और दूसरा भारत में होने वाली वर्षा। ये मैंने टॉपिक पढ़ा दिए, ये आपको मैं शुरू से दिखा देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपका। देखिए ये थोड़ा कम समझ आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जलवायु के बारे में हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, फिर हमने मौसम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, उसके बाद हमने ये वाला फिगर देखा था। फिगर देखने के बाद हाँ वो स्लाइड कहाँ, हाँ ये रही, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है क्यों है कैसे है, दो स्लाइड में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये देखा था कि भारत एक मानसूनी वाला देश क्यों है, ठीक है, ये हमने देखा था उत्तर पूर्व मानसून हवाएं और नीचे हैं दक्षिण पूर्व मानसून हवाएं। फिर हमने देखा था भारत में होने वाली वर्षा वो दो तरह से होती है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा दो तरह से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तर पूर्वी मानसून से। तो हमने दोनों के बारे में अच्छे से देखा। अब बस इसमें आज इतना ही पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़े से मैं फिगर दिखा रहा हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है। देखिए जो मैंने कहा था कि 1 जून से दक्षिण पश्चिम, हम यहाँ पे बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून की, यानी जो गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में शुरू होता है, तो 1 जून से प्रारंभ होता है और लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है, फिर वापस कब आता है पढ़ेंगे हम सब कुछ, लेकिन अभी देखते चलिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होता रहे। जब वापस आता है वो 1 सितंबर से वापस शुरू होता है ठीक है, और लगभग 15 दिसंबर तक भारत को छोड़ देता है। ठीक है, अभी बस बेसिक है ये, कोई आपको अगर ध्यान में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फिगर तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई टी सी जेड क्या है, ये सब डिस्कस किया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन देख लीजिए ITCZ जुलाई में इस प्रकार फैला होता है और जनवरी में इस प्रकार फैला होता है। ये फिगर, इससे भी अच्छा फिगर आगे दिखाया जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं
मानता हूँ कि आप थोड़ा सा देखते रहिए चीज़ों को, देखते रहेंगे तो फिर बहुत आसान लगने लगेगी। आज इस वीडियो को आप देखिए, इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है, सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो मुझे प्लीज़ आप सजेशन दे सकते हैं नीचे कमेंट में कि वीडियो ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी ना लगे तब भी आप बता दीजिए कि ये नहीं, ऐसे बनाइए वीडियो, ठीक है। क्योंकि यदि आप, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, तो फिर वीडियो कैसे बनाऊँगा। कुछ लोग हैं 30-40 लोग, 50 लोग कमेंट करते हैं, लेकिन और करिए, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो कमेंट भी बढ़ने चाहिए, लाइक भी बढ़ने चाहिए। तो यदि बताएंगे मुझे कि इस नहीं, इस प्रकार वीडियो सब में बनेगी, हिंदी में सब में आपको पूरी अच्छे से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आप लोग साथ दोगे तब, आप बताएंगे वीडियो ऐसे नहीं ऐसे बनाइए तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा। जैसे आज मैंने ये वीडियो बनाई है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी है, ठीक है, फिर उसी हिसाब से अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।